इतनी प्यारी स्माइल है आपकी ये आपको कब पता चला <laughs> और जब पता चला तो फिर क्या फील आया कि अच्छा मैं मैं, मैं तबाह कर कर उड़ा दुनिया को ये ये सर कुछ एक सिचुएशन आई जब मैंने ना कभी बहुत जगहों पे इंसान गुस्से में भी आता है रोता भी है तो जब फेसबुक आया ना नया नया तो मैंने फेसबुक पर यह कहा कि यार दुनिया को सिर्फ एक ही साइड दिखानी है दैट इज बिंग स्मिंग तो बींग स्माइली इज़ द पॉइंट दैट आई ऑलवेज बिलीव आप मेरे फेसबुक <coughs> अगर जाएंगे तो मेरे फेसबुक पे आपको कभी भी कोई मेरी सीरियस पिक्चर नज़र नहीं आएगी वो हम एक जगह मैं हुमा अर्शद साहबा के साथ तस्वीर खिंचवा रहा था तो मुझे कहती तू हर वक्त ही हंसता रहता मैं कहा कर, मैं करा मैं कहा कर कर, आप शायद जब पचास साल के बाद या चालीस साल के बाद आप ये तस्वीर देखेंगी तो इट वुड ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस <coughs> राधा दिन के मैं गुस्से में बैठा हूँ और आप कहेंगे यार ये ठीक नहीं हंसया ए ठीक नहीं होया मेरी तस्वीर ख़राब हो गई तो इट जस्ट टेक्स अ फ्यू मोमेंट्स कि आप अपनी स्माइल को चलाते रहे और वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अच्छी और ज्यादा खूबसूरत लगता अच्छा मैं भी कहने लगा था कि आपने मेरे सवाल का जवाब भी दिया लेकिन एक <laughs> तो चीज जी जी है और हिसाब से ही अगर पहचानते हैं तो अल्टीमेटली बहुत अच्छा लगता है आवाज जो आपकी है इसपे जो इतना ग्राम है इसपे भी आपने काम किया या नेचुरली ऐसी नहीं जी थिएटर आपको बहुत सी चीज़ें सिखाता है उसके बाद फिर रेडियो एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अली अब्बास फॉर दैट थिंग कि अली ने वो रेडियो करवा दिया मतलब एक टाइम था हमारा हमारा वो बूम एफएम था वन सिक्स पॉइंट सिक्स सुपीरियर यूनिवर्सिटी का हुँ। तो उस पे हमारा एक प्रोग्राम हुआ तो अली ने मुझे कहा कि हाँ जी आप कर दें तो मैंने कहा यार मैंने कभी किया नहीं है मुझे पता नहीं है तो मैं ना पेपर रखा करता था और रेडियो तो का तो का तो काम खराब है तो मैंने ना फिर पेपर ऐसे रखने शुरू कर <laughs> तो दिए तो ये चीज है अल्टीमेटली फिर अली ने कहा कौड़ा घुटता तो पीना ही पैना है खुद जो दिल में आ रहा है वो बोलते जाए तो आई थिंक के थिएटर उसके बाद ये रेडियो इसने एक तो होस्टिंग में बहुत ज्यादा हेल्प किया कि होस्टिंग में आपके पास लोग आते हैं मेहमान खसूस तो ही नहीं आया घंटा तो आप उनके साथ फिर जो चीजें हैं वो फिर आप जो जो कुछ सोच रहे होते हैं वो मैं अपने साथ ना गैदर करता जाता हूँ कि अच्छा मैंने कोई चीज देखी तो मैंने कहा हाँ यार अगर ये लोग मुझे मिले तो मैं इस तरह की बात कर दूंगा एक जगह पे आ, भाई नहीं मुझे बंदा था और सारे मर्द थे तो मैंने दिल में सोचा मैंने कहा खानजी थे क्या मैं मंजन बेचना <laughs> <की> करा <laughs> तो मेरे लिए उस वक्त जहन में आया कि ये सारे के सारे They are all yeah, इन्होंने अपने अब्बा के साथ इनकी दोस्ती कैसी होगी hmm. हम पिछली सदी के लोग हैं हमारी अब्बा के साथ इतनी ज्यादा बॉन्डिंग नहीं थी जितनी हमारे बच्चों की अब भी है. है तो मैंने वो कहानी hmm. सुनानी शुरू की जब मैं छोटा था तो मेरे अब्बा के साथ मेरी interaction नहीं थी और मैं अब्बा से चाहता था कि अब्बा मैं आपसे गले मिल लूँ तो मुझे लगता था कि अब्बा मार देंगे इस बात के ऊपर गले तो आप सोचेंगे वहां पर तकरीबन कोई दस पंद्रह लोग मेरे पास आए हैं और उन्होंने मुझे कहा कि यार आपने बड़ी अच्छी बात की तो मेरे लिए वो पंद्रह सौ में से वो दस लोगों ने या पंद्रह लोगों ने जो बात की दे मेड माई डे